ओके बेटा जी, अब्दुल रहमान, लास्ट टाइम मेडिकल फिजिक्स में हम बेटा पढ़ रहे थे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन किया था वो अटैनुएशन था। अटैनुएशन में हमने ये डिस्कस किया था कि लेट से कोई भी इंटेंसिटी ऑफ वेव है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एंटर होती है वेव विद सम इंटेंसिटी आई वन, तो वो जो दूसरे एंड पे पहुंचेगी, यहाँ आई वन है और इधर जो पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है आई टू, तो आई टू और आई वन में जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है ई रेशियो पावर माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन, राइट। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि अगर सपोज करें, कि अगर साउंड को ही लॉस नहीं हो रहा उसकी पावर में, इंटेंसिटी में, इन रिफ्लेक्शन, तो एक साउंड अगर, या कोई भी वेव, एवरी वेव, ये फॉर्मूला हर वेव पे अप्लाई होता है, तो अगर कोई वेव ट्रेवल करती है यहां से इधर, लेट से सपोज उसकी कोई पावर लॉस नहीं होती, तो इस इंटेंसिटी में और इंटेंसिटी में जो रेशियो होगी, लेट से आई वन है और ये आई टू है, वो जो इंटेंसिटी होगी आई टू ओवर आई वन, तो दो मरतबा रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ई रेस टू पावर माइनस क्यू म्यू एक्स हो जाएगी। यानी जहां वो म्यू एक्स आ रहा था ना, वहां टू म्यू एक्स आ जाएगा, क्लियर। अगर पावर लॉस ना हो रही है, जो कि होती है, अभी तो मैं जो चीज सिखाना चाहता हूँ ना, ये शॉर्टकट होगा कुछ क्वेश्चन से, ये हम सिलेबस से थोड़ा हटकर 1 मिनट के लिए वो चीज कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करनी है। थोड़ी देर के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस इसके आते हैं, राइट। अच्छा, मीनवाइल अगर इसी तरह ही लेट से जो कोई पावर लॉस ना हो रही, तो ये वेव जाएगी स्ट्राइक होकर और फिर 3 मरतबा पास होती, तो ये आई वन है, ये आई टू है, तो व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन आई टू एंड आई वन, वो हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 3 टाइम्स म्यू एक्स। ये हम प्रीवियस लेसन में कर चुके हुए डिस्कस, राइट। ये चीज, दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। ये थर्ड वाला तो आपको प्रैक्टिस के लिए टू विल बी सफिशियंट, क्लियर। अब्दुल हनान, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं अच्छा सर। बिलाल, ओके। अच्छा बेटा जी, की नजर आ रही है अब्दुल हनान आपको? नहीं सर। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? जी सर। ओके। अच्छा बेटा जी, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम इससे आगे चलते हैं, हम इसे एंड करते हैं टॉपिक को। देखो बेटा, रियल लाइफ में जब भी किसी बाउंड्री से एक वेव स्ट्राइक करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लेट्स से वो बाउंड्री ये है, यहाँ एक मीडियम वन है, एक मीडियम टू है,
तो पहले तो एक टर्म हम जरा पढ़ लें, वो दैट इज गोइंग टू हेल्प। दैट टर्म इज कॉल्ड अकोस्टिक इम्पीडेंस। अकोस्टिक इज फॉर साउंड। ये इम्पीडेंस का वर्ड ना आप अगर फर्दर थोड़ी सी एडवांस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें तो इम्पीडेंस इज वेरी मच क्लोजर टू रेजिस्टेंस। इट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी विच रेजिस्टेंस द करंट लाइक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे, वेव पढ़ रहे हैं। अकोस्टिक इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, और अपनी इम्पीडेंस का बिहेवियर रेजिस्टेंस की तरह होता है। ये डिपेंड करता है जिस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है उसकी डेंसिटी पर, उसी स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हाँ ये स्पीड ऑफ वेव है। तो अकोस्टिक इम्पीडेंस जो है ना बेटा, इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। एंड द स्पीड ऑफ वेव, ऑब्वियसली यहां अकोस्टिक फॉर साउंड है, इन द सेम मीडियम, इन दोनों की प्रोडक्ट को वी कॉल अकोस्टिक इम्पीडेंस। अच्छा, अकोस्टिक इम्पीडेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और स्पीड मीटर्स पर सेकेंड। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये पावर वन होता है मीटर का, इससे सोल्व करके तो अकोस्टिक इम्पीडेंस जी की जो यूनिट आ जाएगी वो के जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती। अकोस्टिक इम्पीडेंस जो सा होता है, ये डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट मीडियम की डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, और साउंड में हमने देखा जिनकी डेंसिटी ज्यादा तो उनकी स्पीड वो साउंड भी ज्यादा है, तो यानी ये वैल्यू भी ज्यादा, ये ज्यादा। डेंसर मीडियम के लिए अकोस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू हायर होगी, लाइटर रेयर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कम। तो डिफरेंट मटेरियल्स की अकोस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू, अच्छा ये डिफरेंट होती है, और ये हम एक्सपेक्ट क्या पढ़ रहे हैं अभी जरा डिस्कस करते हैं। कि कोई भी लेट से एक वेव या साउंड एक मीडियम से ट्रेवल करती है, दूसरे में एंटर होने लगती है यहाँ पर, तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ पहुंची है यहाँ ट्राई करते वक्त, तो सारी आगे ट्रांसमिट नहीं कर जाती, कुछ एनर्जी उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज आई आर, और कुछ होती है उस मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, दैट इज आई टी। यानी जो टोटल इंटेंसिटी है आई, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रिफ्लेक्टेड पार्ट और एक जो आगे ट्रांसमिट हो जाता है। दोनों को ऐड करें वो टोटल आई के इक्वल आ जाए। अच्छा, अगर आपने कभी ट्रांसमिटेड पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किसके इक्वल होगा? टोटल में से रिफ्लेक्टेड पार्ट को माइनस कर दें। रिफ्लेक्टेड पार्ट की फाइंड करनी हो तो टोटल में से आई इज द टोटल ओरिजिनल इंटेंसिटी माइनस ट्रांसमिटेड, राइट? क्लियर, कॉमन सेंस? अच्छा, अब इन दोनों में से हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन है? वैसे कंसीडर करें कि ये कोई मटेरियल है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मीडियम टू, तो हमें ये जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया ना बेटा, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट तो हमारे लिए वेस्ट हो गया क्योंकि वो एंटर नहीं हुआ उसमें, लेकिन जो ट्रांसमिटेड पार्ट है वो जाएगा टकराकर वापस आएगा, तो उसके आने से कितना कम हो गया होगा। हम ये जो फॉर्मूला अभी हमने किया है ना बेटा, कि एक इंटेंसिटी एंटर होती है आई वन और दूसरे मीडियम पर पहुंचती है e रेस टू पावर माइनस म्यू एक्स, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस ये है
कि हमने जो इंटेंसिटी सेंड की और जो दूसरी तरफ पहुंची, उन दोनों के रिसीव करने वैल्यूज रखे यहाँ पर म्यू, हमें अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट हर मीडियम का ये भी डिफरेंट होता है, तो हम वो थिकनेस मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बेटा दिस इज द फॉर्मूला कि वो थिकनेस मेजर करने से हमें पता चल जाता है वो पॉइंट कहाँ से रिफ्लेक्शन हुई। तो अगर हम बहुत ज्यादा पॉइंट्स को मिलाएं जहां से वो कितना डिस्टेंस कवर करके आई है एक वेव, तो हम ये पता फाइंड कर सकते हैं कि ये वेव किस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कि एक वेव ये ट्रांसमिट होकर यहाँ से यहां तक पहुंची है और फिर यहां से जब दोबारा वेव ये किसी पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी, तो हम बता सकते हैं कि यहां जो वेव स्टार्ट हुई थी और जो यहां पहुंची है उसे कितना डिस्टेंस कवर किया। इस तरह हम वो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स उनकी उनको नोट करते जाए, पोजिशन को शेप बनाए तो वो एक शेप बन जाएगी कि ये कौन सा पार्ट था जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आई, और डॉट्स के मिलने से शेप बनती है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि ये जो रिफ्लेक्शन का अभी हमने पढ़ा है ना, अभी तो हमने थोड़ा सा एडवांस पढ़ा है, तो स्टार्ट करें जो ट्रांसमिटर वेव जाएगी जाकर वापस आएगी, तो हमने पीछे इंटेंसिटी पढ़ी है ना कि एक वेव जाएगी और फिर वापस आकर इंटेंसिटी कितनी होगी, ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं। तो बेटा हम ना उस फॉर्मूला से इंटेंसिटीज अगर पता हो तो हम ये कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना कवर करके आई है वेव, तो वेव कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, कोई यहां से हुई है, कोई यहां से, कोई यहां से, और रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, कोई सॉलिड बाउंड्री। तो बेटा अगर हम उन शेप्स को ज्वाइन करेंगे तो शेप बन जाएगी, इस तरह मटेरियल्स के अंदर के क्रैक्स, सॉफ्ट टिश्यू का एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, उसकी शेप बना सकते हैं, राइट। अच्छा अब ना वापस कहने का मकसद ये था कि रिफ्लेक्टेड पार्ट इज नॉट यूजफुल, ट्रांसमिटेड पार्ट इज मोर यूजफुल, कि ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता कितना है पहले हम ये फाइंड करते हैं, और जितना वो कम होगा ट्रांसमिट उतना, क्योंकि टोटल इंटेंसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक ट्रांसमिट हो जाता है, तो इसका मतलब ये जितना कम होगा ट्रांसमिट उतना ज्यादा, और यही हमारे लिए यूजफुल है। अब ये रिफ्लेक्टेड पार्ट जो सा होता है ना वो डिपेंड करता है अकोस्टिक इम्पिडेंसेस पर, यानी लेट से इस मीडियम वन की एक अकोस्टिक इम्पिडेंस है Z1 और इसकी Z2, ये बहुत क्वेश्चन है पास पेपर। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है कि जो इंटेंसिटी यहां एंटर हुई है और जो उसमें से रिफ्लेक्ट हो गई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ओवर टोटल इंटेंसिटी इंसिडेंट जो भी यहां पर पहुंची थी इक्वल होती है Z2 माइनस Z1 ओवर Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है, अगर आप Z1 माइनस Z2 कर लें तो स्क्वायर से तभी आंसर क्या होगा, सेम रहेगा, राइट। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया जेड वाला? बेटा जी दिस इज कॉल्ड, ये आपने याद रखना है, ये रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला भी जो पूछ रहे हो आप, ये जो Z1 माइनस Z2 वाला है। जी बेटा ये जो IR ओवर I है ना, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जैसे किसी के जो मार्क्स आते हैं किसी टेस्ट में 30 मार्क्स आए हैं, हाउ वुड यू नो कि ये अच्छे मार्क्स हैं कि बुरे मार्क्स हैं, आप उसे टोटल पे डिवाइड करके लिखते हो ना, तो IR को I पे डिवाइड करने का मतलब क्या है, I इज द टोटल इंटेंसिटी ना, तो दिस टेल्स कि उस टोटल में से कितना पार्ट है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आई और ओवर आई इसी तरह ही आप याद रखें, इट हैज नो यूनिट। अच्छा आई आर ओवर आई की वैल्यू अगर हमारे पास है तो ये जो आई डिवाइड हो रहा है इधर आकर,
तो इस तरह हम रिफ्लेक्टेड पार्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या होगा, जी टू माइनस जी वन ओवर जी टू प्लस जी वन होल स्क्वायर टाइम्स टोटल। अगर आई आर आ गया तो ट्रांसमिटेड पार्ट किसके इक्वल होगा, टोटल में से आई आर को माइनस कर। अच्छा बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स से इस जो फ्रैक्शन है इसका आंसर आ जाता है सपोज 0.39। अच्छा ये जो 0.39 होता है ये परसेंटेज में कितना होता है, 39%। इसका मतलब 39% वो है विच इज आई आर मतलब रिफ्लेक्टेड, तो टोटल कितनी 100% है, तो 100 में से 39 को माइनस कर दें तो बाकी का जो 61% है वो होगा वो जो ट्रांसमिट हो गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रहेगी आपको, इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा अब ना फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा दोबारा वापस आते हैं बेटा, ये फॉर्मूला याद रख रहे, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जी टू माइनस जी वन ओवर जी टू ओवर जी वन टू, ये जो नीचे ऐड करें वो जी वन प्लस जी टू कर लें या जी टू प्लस जी वन कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस राइट। ये याद रखना, इसकी डेरिवेशन नहीं है अब्दुल हनान, आपने एज इट इज याद रखना। अच्छा सर, आपने ये भी कहा था कि वो बताएंगे कि हम I2 और उसको I1 ओवर I3 क्यों कर लेते हैं। जी जी करने लगे, वो भी करने लगे इसके बाद बेटा, अगला कर नहीं हमने पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा अब ना एक चीज आपने ध्यान में रखनी, वो क्या है कि यहां हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये है बेटा कि जितना जी टू और जी वन में डिफरेंस ज्यादा होगा, और डिफरेंस कब आता है जब डेंसिटी क्या हो डिफरेंट हो जाए। हमने पढ़ा है ना कि जी किस पे डिपेंड करती है, जी का फॉर्मूला रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है राइट, और स्पीड ऑफ द वेव, तो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो एक बात आपने ना इस फॉर्मूले में जरा नोट करनी है, वो ये है बेटा कि अगर इफ वी से कि जी टू और जी वन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यानी जी टू ओवर जी वन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ कौन सा प्रोपोर्शन होता है डायरेक्ट, तो इसका मतलब आई आर ज्यादा हो जाएगा, मींस मोस्टली इज रिफ्लेक्टेड। तो बताएं क्या ये हमें रिक्वायर्ड है, हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन सी है, रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड। ट्रांसफर तो ये रिक्वायर्ड नहीं है हमें, ट्रांसमिट ज्यादा यूजफुल है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस अगर ना जी टू और जी वन दोनों मीडियम की अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी डेंसिटी भी उनकी ऑलमोस्ट सेम है, ये जी टू किस पर डिपेंड कर रही है डेंसिटी पर, तो अगर इक्वल है तो जी टू माइनस जी वन का जो आंसर है, ये जी वन इधर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा जीरो। ये ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 100% तो इक्वल नहीं ना होती, तो अगर इक्वल जीरो हो गया तो इसका मतलब ये चीज जीरो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, यानी इसका मतलब रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड मोस्टली इज ट्रांसमिटेड एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट। अब बेटा कभी ना आप मेडिकल में किसी का अल्ट्रासाउंड होते हुए देखें, तो आपने नोट करना है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लुक्स लाइक दिस। अच्छा इलेक्ट्रिक फिजो ट्रांसड्यूसर में हमने पढ़ा था डिटेक्टर भी इसमें होता है और अल्ट्रासाउंड जनरेटर भी, जनरेट भी यही करता है, उनको डिटेक्ट भी
अब लेट्स से ये यहां पर किसी का फ्लैश है, सॉलिड होता है, और यहां बीच में एयर है, तो एयर जो है ना बेटा वो तो बड़ी लेस डेंस है, तो उसकी अकोस्टिक इम्पीडेंस को Z1 कह लें वो बहुत कम है, और फ्लैश सॉलिड है उसकी अकोस्टिक इम्पीडेंस ज्यादा है, तो फिर इनका डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में मोस्टली विल बी रिफ्लेक्टेड, राइट। अब एयर गैस है और हमारा जो फ्लैश है बॉडी है दैट इज अबाउट 70%, हमारी बॉडी इज 70% वाटर। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या करते हैं बेटा, जब भी किसी का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसकी बॉडी पे ना क्रीम लगाते हैं, जेल, उसे कहते हैं वाटर जेल। यहां पर वाटर जेल लगाते हैं, वो जो वाटर जेल है ना दैट इज 70% वाटर, यानी उसकी जो इनसे जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट उतनी है जितनी हमारी बॉडी या फ्लैश की है। तो जब अगर वाटर यहाँ लगा दें, जेल लगा दें, तो उसकी और जो फ्लैश है उनकी अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल। तो अब रिफ्लेक्शन कम होगी और ट्रांसमिशन ज्यादा। कैन यू रिमेम्बर दिस, राइट अब्दुल हनान? जी अच्छा, अब आपके पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब हम जो डिस्कस करने लगे दैट इज गोइंग, अब प्रॉपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिलेबस वाइज तो ये हो गया है जी बेटा। कंसीडर करें लेट से ये हमारे पास एक मीडियम है, और एक और मीडियम उसके साथ, ये दो मीडियम है, और हर मीडियम की अपनी अकोस्टिक इम्पीडेंस होती है, लेट्स से इसकी अकोस्टिक इम्पीडेंस Z1 है और यहाँ Z2 है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड पार्ट का ये फॉर्मूला याद रखना है, रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है, जितना पहुंचा है और जितना उसमें से रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट ओवर टोटल जो पहुंचा है वहां तक बाउंड्री तक, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट इसके इक्वल होता है। अच्छा, अभी अप्लाई करके देखते हैं, और लेट्स से इस मीडियम की थिकनेस ना यहां से यहां तक है और वो है X1, कोई भी नाम रख सकते हैं अभी आप, और इस मीडियम की जो इम्पीडेंस है थिकनेस है सॉरी X2। अच्छा जी, अब जरा ना अब्दुल हनान सपोज करते हैं एक वेव जब एंटर हुई है इस पॉइंट पर इस मीडियम में, उसकी इंटेंसिटी है I1, जब वो इंटेंसिटी यहां तक पहुंचेगी यहां पर लेट से वो I2 हो गई, अगर आपसे कोई पूछे कि I2 की वैल्यू क्या होगी, तो जो ट्रांसमिटेड होती है ओवर जो इंसिडेंट एंटर हुई थी वो होती ई रेस टू पावर माइनस म्यू एक्स। तो बेटा इस मीडियम का भी अपना लीनियर कोफिशिएंट है μ1, इसका अपना है μ2, राइट। तो जो I2 होगा वो होगा μ x, लेकिन हर मटेरियल का अपना कोफिशिएंट होता है बेटा, μ1 और थिकनेस X1, राइट। अच्छा, अब ना ये I2 का जब यहाँ बाउंड्री पे पहुंचा है ना, तो दोनों डिफरेंट जब भी इम्पीडेंस होती है दो मीडियम की, तो उस बाउंड्री पे कुछ हिस्सा आगे ट्रांसफर हो जाता है कुछ हिस्सा, तो जो कुछ हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा लेट से उसका नाम हम रख लेते हैं I3, और जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा वी कॉल इट एज I4। अच्छा, जो रिफ्लेक्ट हुआ पार्ट अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्लेक्टेड पार्ट ओवर जो ओरिजिनल वहां तक पहुंचा था बाउंड्री तक वो क्या है I2, वो इक्वल होगा
z2 माइनस z1 ओवर, तो इनमें आप z1 माइनस z2 कर लें, चॉइस इज योर्स, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब i3 जो यहां से यहां तक पहुंचेगा, अब वापस आ रहा है, ये i4 सॉरी आ रहा है, i3 को बाद में फोकस करते हैं, लेट्स से वो i5 हो गए। अच्छा i5 का और क्या रिलेशन है, कहीं भी कोई इंसिडेंट वेव स्टार्ट होती है और वो थिकनेस के बाद पहुंचती है, तो उनमें जो रिलेशन होता है, जो भी ट्रांसमिटेड है जो पहुंचती है डिवाइडेड बाय जो स्टार्टिंग पे थी i4, वो e रेस टू पावर माइनस म्यू 1, और थिकनेस कितनी है, यहां तो कोई इश्यू तो नहीं। अच्छा मैं बड़ी देर से आपको अजीबोगरीब एक चीज बता रहा था, पहले मैं आपको वो डायरेक्ट करके दिखाता हूं और फिर सोल्व करके देखते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि ये i1 और i5 की डायरेक्ट रेशियो क्या है, तो गौर से करें, हमेशा जो एंड वाली है ना उसे ऊपर रखना है, टोटल वाली ओरिजिनल ज्यादा होती है ना, इंटेंसिटी इंटेंसिटी तो कम हो रही है ना, तो टोटल वाली को नीचे रखना है। यहाँ i1 से i5 तक आने में कितनी मरतबा ये उसने ये लेंथ क्रॉस की है, गई भी आई भी है ना, दो मरतबा की है ना, तो जब दो मरतबा की है तो e रेज टू पावर -2, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना शुरू में, जितनी मरतबा क्रॉस हो e की पावर को उससे मल्टीप्लाई करते, 3 मरतबा हो तो मल्टीप्लाई बाय 1 मरतबा, रिफ्लेक्शन भी तो ये बीच में यहां, तो रिफ्लेक्शन हो तो ये, और ये 1 मरतबा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में इस होल का क्या आता है, स्क्वायर। अगर 2 मरतबा रिफ्लेक्शन हो जाती तो स्क्वायर का भी स्क्वायर, राइट, करके देखेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जी बेटा, अब आपने ना 1 मिनट के लिए देखना है, सर पिछली बार आपने बस कहा था कि -2 μx ही होगा, अब ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? दोबारा बोलिएगा। पिछली बार आपने कहा था सिर्फ -2 μx होगा, अब आपने ये उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया है आप रिफ्लेक्शन को। अच्छा ओके दैट्स इट बेटा, ये हमेशा उतना पार्ट होता है ना, जैसे ये रिफ्लेक्शन इज अ फ्रैक्शन, जैसे आपने किसी चीज का 2/3 फाइंड करना है, तो आपने 300 है उसका 2/3 फाइंड करना है, तो 2/3 को उसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये फ्रैक्शन है, इतना फ्रैक्शन है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इतने टाइम्स करेंगे हम उसको, जब भी फ्रैक्शन का इतने टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमेशा उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब इसकी तरह डेरिवेशन देख लें, हमें क्या फाइंड करना है, i5 ओवर, इन सबको जरा मल्टीप्लाई करें, डेरिवेशन में एक मतलब करके दिखा रहा हूं, इन क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में इक्वेशन में देखिएगा, i2 ओवर i1 मल्टीप्लाई बाय i4 ओवर i2 मल्टीप्लाई बाय i5 ओवर i4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये तो दो है ना सेम, उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप देखें ये i2 i2 से कैंसिल, i4 i, तो ये i5 ओवर i1, यही फॉर्मूला नहीं बन गया था जो यहां लिखा होता। जो चीज मैं एक चीज आपको डायरेक्ट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है 2 या 1 मार्क के होंगे और आपको वहां इतनी वर्किंग करनी पड़ेगी, मैं उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा, ठीक है, डेरिवेशन भी आपको करवा दी। अच्छा आप वापस आ जाएं, अगर हमने फाइंड करना है कि ये तो टोटल इंटेंसिटी जो i2 यहां पहुंची है
उसमें से I4 रिफ्लेक्ट हुआ है, तो अगर I2 में से हम I4 को माइनस कर दें, आप जरा ये फॉर्मूला देखना, यहां से अगर हम I4 की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगी? I4 चाहिए, I2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर, I2 यहाँ टोटल है ना जो यहाँ पहुंची थी, है ना, क्लियर? अगर हमें ट्रांसमिटेड पार्ट थर्ड वाला चाहिए तो टोटल में से इसको माइनस कर दें, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये Z2 - Z1 over Z2 + Z1 की वैल्यू 0.39 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब 39% है जो रिफ्लेक्ट हुई है, तो जो ट्रांसमिटेड होगी वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये I2 है, और इस पार्ट की जो वैल्यू है जेई वाले वो 0.39, ये मैथमेटिकली क्या होती है? 39%, तो इसमें से इसे माइनस करें ना, मैथमेटिकली कोई नंबर नहीं है तो 1 है ना यहाँ, तो 1 में से 0.3 माइनस हो जाएगा, तो 61% आ गया ना, राइट? क्लियर, कैन यू रिमेम्बर, याद रहेगा आपको? चलिए, दैट इज ऑल। सर हमेशा 0.39 ही होगा। नहीं, ये मैंने सपोज किया, 0.39 थोड़ी होगा, मतलब कई दफा 0.02 हो सकता है, 2%, इसका मतलब 2% है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 98% ट्रांसमिट, और अगर 2% ट्रांसमिट हो रही है तो फिर 98% रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट? अब बेटा आपको ये जो मैंने आखिर में कराए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इस तरह से, अब आप इसके क्वेश्चन करें ना जरा अल्ट्रासाउंड के, तो दे विल गिव यू टफ टाइम, तो हमने जो क्वेश्चन